सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नित्य शतक में अग्रिम 106 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में धीर पुरुष की महिमा के विषय में बतलाया गया है। श्लोक है, कांता कटाक्ष विशिका न लुंति अस्य चित्तम निर्दहति कोप कृशानुताप कर्षन्ति भूरि विश्याश्चन लोभ पाशै लोकत्रयम् जयति कृत्सनम इदम शरीर। अन्य है, यश्च चित्तम कांता कटाक्ष विशिका न लुनन्ति को कृशानुताप न निर्दहति भूरि विषया च लोभ पाशै न कर्षन्ति शधीरमिदं कृतस्नं लोकत्रयं जयति। शब्द यश्च चित्तम, जिसके चित्त को कांता कटाक्ष विशिका कामनी के कटाक्ष रूप बाण न लुनन्ति नहीं भेदते हैं, को कृशानुताप है क्रोध रूप अग्नि का ताप न निर्दहति नहीं जलाता है, और भूरी विषया बहुत से उपभोग्य पदार्थ लोभ पाशै लोभ रूप जालों से न कृशन्ति आकृष्ट नहीं करते हैं, सधीर वह धीरेशाली पुरुष इदम कृतस्नम संपूर्ण लोकत्र त्रिभुवन को जयति जीत लेता है। अर्थ है, जिस मनुष्य का चित्त कामनी के कटाक्ष रूपी बाणों से घायल नहीं होता है, जिसे क्रोध रूपी अग्नि की लपटे नहीं जलाती है, और जिसे अनेक प्रकार के भोग्य पदार्थ लोभ रूपी जाल में नहीं फांसते हैं, वही धैर्यवान पुरुष इन तीनों लोकों को जीत लेता है। भावार्थ है, वस्तुतः उसी व्यक्ति को धैर्यशाली समझना चाहिए जिसका मन उतना दृढ़ हो कि कामने के कटाक्ष मन उसे मोहित न कर सके, क्रोधाग्नि की लपटे उसे जला न सके, और सांसारिक भोग विलास के अनेक पदार्थ तथा लोभ आदि उसे अपने ओर आकृष्ट न कर सके। ऐसे मनुष्य में वह अपूर्व शक्ति होती है जिससे वह तीनों लोकों को वशवर्ती बना सकता है। काम क्रोध और लोभ मोह ही मनुष्य के विनाश के हेतु है, जो इन सब तत्वों को जीत लेता है वही धैर्यशाली माना जाता है। बाबा के मनुष्य यदि काम वासनाओं तथा क्रोध व लोभ से मुक्त रहे तो वह संसार को जीत सकता है और अपना कल्याण कर सकता है, ऐसा व्यक्ति सच्चा धीर कहलाता है। इस श्लोक में प्रसन्न तिलिका छंद है। इस छंद के प्रत्येक 14 वर्ण होते हैं, संपूर्ण छंद 56 वर्णों को होता है। अक्षर उक्ता वसंत तिलिका कब्जा जगह है, इसमें अंश तगन बगन जगह और दो गुरु होते हैं। अग्रिम 107 नंबर का श्लोक, जिसमें वीर पुरुष का महत्व बतलाया गया है, अन्वय है। श्लोक है, एकेनापि हि सूरेण पादाकांतम महीतलम क्रियते भास्करेणैव इश्पार स्फरित तेजसा। अन्वय है, ही इश्पार स्फुरित तेजसा भास्करेणैव एकेनापि सूरेण महीतलम पादाकांतम क्रियते। शब्दार्थ है, ही निश्चित है
इस पार उस पूरे तेजसा अत्यंत चमकते हुए तेज वाले भास्करेण सूर्य के समान एक नापी एक ही सूर्यण वीर के द्वारा मणितरम भूतल को पादाक्रम व्याप्त तथा घर्षित किया जाता है। अत्यंत विस्तृत एवं दिव्य तेज वाले सूर्य की तरह एक ही पराक्रमी पुरुष भी समस्त भूमंडल को पादाक्रांत अपने अधीन तथा किरणों व्याप्त कर सकता है। भावात् जैसे एक ही प्रकाशवान सूर्य अपने किरणों से समस्त भूमंडल को आक्रांत अर्थात प्रकाशित एवं प्रभावित कर लेता है, उसी प्रकार तेजस्वी वीर पुरुष अकेला ही समस्त भूमंडल को अपने चरणों के नीचे दबाकर वशवर्ती बना लेता है। धरती पर ऐसे वीर पुरुष कम ही होते हैं और वे ही वास्तविक रूप में वसुधा का सही उपभोग कर पाते हैं। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद प्रत्येक आठ वर्ण होते हैं, संपूर्ण छंद 32 वर्णों का होता है। श्लोक लय श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घम अन्येयो। अग्रिम 108 नंबर का श्लोक है जिसमें सील की महिमा बतलाई गई। वहनी तस्य जलायते जल निधि कुल्यायते तत्क्षणा मेरु स्वल्प शिलायते मृगपति सद्य कुरंगाय व्यालो माल्य गुणायते विश्रस पीयूष वर्षायते ये सांगे अखिल लोक वल्लभतम शीलम समम मिल्लति। अन्वय है यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभतम शीलम समुन्मिल्लति तस्य वह्नि जलायते जल निधि कुल्यायते मेरु तत्क्षणात् स्वल्प शिलायते मृगपति सद्य कुरुंगायते व्याल माल्य गुणायते विश्रस पुरुष वर्षायते। शब्दार्थ यस्य अंगे जिसके शरीर में अखिल लोक वल्लभ तमम सारे संसार के लिए अत्यंत प्रिय शीलम सदाचरण समुन्मिलति समुद्भासित होता है तस्य उसके लिए वहनि अग्नि जलायते जल की तरह शीतल होती है, जल निधि समुद्र कुल्यायते छोटी नहर की तरह सुलग्नीय होता है, मेरु सुमेरु पर्वत तत्क्षण तत्काल स्वल्प शिलायते छोटे पाषाण जैसा हो जाता है, मृगपति सिंह सद्य तत्काल कुरुंगायते मृग जैसा हो जाता है, व्याल सर माल्य गुणाय माला के धागे की तरह लगता है, विश्रस विश्व का दर पीयूष वर्षा है अमृत की वर्षा जैसा हो जाता है। अर्थ है जिस पुरुष के शरीर में सर्वाति प्रिय शील विराजमान है उसके लिए अग्नि जल के समान उठ जाती है, समुद्र छोटी नहर जैसा हो जाता है, सुमेरु पर्वत लघु चट्टान जैसा हो जाता है, सिंह मृग के समान बन जाता है, भयंकर सर्प फूलों की माला की डोरी तरह तथा विषकार अमृत की धारा के समान बन जाता है, अर्थात उसके लिए सभी पदार्थ सुखकारी हो जाते हैं। भावार्थ है जो व्यक्ति शीलवान होता है उसके लिए कोई भी पदार्थ अथवा कोई भी कार्य दुर्लभ या दुस्साध्य नहीं होता है, वह तो सब कुछ करने और सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ होता है। उसे तो अग्नि जैसा दाहक पदार्थ जल के समान शीतल लगने लगता है, अति दुस्तर समुद्र भी एक छोटे नहर जैसा प्रतीत होता है, अति उन्नत मेरु पर्वत भी एक छोटी शिला जैसा जान पड़ता है, सिंह भी मृग सरल जीव बन जाता है,
भीषण सर्प भी पुष्पमाला के समान और विषरस भी अमृत धारा के समान सहकारी बन जाता है। अतः ये सभी दुर्लभ को दुस्तर पदार्थ सीलवान के लिए अतिहृत हो जाते हैं। यहां सीलवान पुरुष अपने सदाचरण से विषम परिस्थितियों को अनुकूल बना लेता है और असंभव कार्य को भी संभव करके सुखा भागी बनता है। अतः सील की महिमा अद्भुत है यह बतलाया गया है। इस श्लोक में साधु विकृत छंद है। साधु विकृतम छंद का लक्षण सूर्यास्वय यदि मसत स तथा स गुरु साधु विकृतम है। इसमें मगन सगण जगण सगण दो तगण और एक गुरु होता है। इस छंद के प्रत्येक चरण 19 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 76 वर्णों का होता है। इसमें 12 एवं 7 वर्णों पर यति होती है। अग्रिम 109 नंबर का श्लोक है। इसमें सत्य प्रतिज्ञा की महिमा बतलाई गई है। लज्जा गुणोद जननीम जननीम इव स्वाम अत्यंत शुद्ध हृदयाम अनुवर्तमान तेजस्विना सुखम असुनभिसंत्यजन्ति सत्यवत व्यसनेनो न पुनः प्रतिज्ञा। अन्य है सत्यव्रत व्यसनेन तेजस्विन असुनपि सुखम संत्यजन्ति किंतु लज्जा गुणोद जननी अत्यंत शुद्ध हृदयाम अनुवर्तमान स्वाम जननी इव प्रतिज्ञा पुनः न संत्यजन्ति। शब्दार्थ सत्य व्रत व्यसनिन सत्य बोलने के स्वभाव वाले तेजस्विन तेजस्वी व्यक्ति अशुन अभिप्राणों को भी सुखम सुख पूर्वक संत्यजन्ति छोड़ देते हैं किंतु लज्जा गुणों जन्य लज्जारोप गुणों की राशि को उत्पन्न करने वाली अत्यंत शुद्ध हृदय अत्यंत निर्मल हृदय वाली अनुवर्तमान अनुकूल आचरण करने वाली स्वाम जननी वह अपनी माता की तरह प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा को पुनः कभी न सत्यंति नहीं छोड़ते हैं। अर्थ है सत्य व्रत के व्यसनी तेजस्वी पुरुष अपने प्राणों को ही को भी सहजता में छोड़ सकते हैं परंतु लज्जा आदि गुण समुदाय को उत्पन्न करने वाली अत्यंत शुद्ध हृदय वाली तथा अनुकूल आचरण करने वाली माता के समान स्वकीय प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते हैं। भावार्थ सत्पुरुष या सत्यव्रत में रुचि रखने वाले तेजस्वी पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं भले ही उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए प्राण ही गंवाने पड़े परंतु वे अविचल रहते हैं। ऐसे तेजस्वियों के लिए अंगीकृत प्रतिज्ञा अपनी माता के समान प्रिय एवं अत्याज्य होती है। माता जैसे अपने पुत्र के लिए अनुकूल आचरण करने वाली और अति शुद्ध हृदय वाली होती है तथा उसमें गुणों का समावेश करती है उसी प्रकार सत्पुरुष की प्रतिज्ञा उसके आचरण के अनुकूल और सद्गुणों को उत्पन्न करने वाली होती है। अतः उनके लिए प्रतिज्ञा परिपालनीय होती है। यहां दृढ़ प्रतिज्ञा महापुरुषों की ये विशेषता होती है कि वे एक बार की गई प्रतिज्ञा से विमुख नहीं होते हैं। वे प्रतिज्ञा भंग की अपेक्षा प्राण त्याग करना श्रेष्ठ समझते हैं। इस श्लोक में वसंत तिलका छंद है जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तब्जा जगौगे। इसमें तगण बगण दो जगण और दो गुरु होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण 14 वर्ण होते हैं। संपूर्ण छंद 56 वर्णों का होता है। इस प्रकार यहां नित्य शतक का संपूर्ण
श्लोक पाठ संपन्न हो जाता है।